अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमा पफ कॉर्निश। ये देखिए मैं आज रेडी कर रही हूँ, और ये मेरे पास में 1 कप मैदा है। पहले हम डो बना लेंगे मैदे का, फिर उसके बाद में फिर बाकी की तैयारी करेंगे। इसके अंदर ये मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी, और फिर उसके बाद में फिर इसको मैं 2 टीस्पून तेल डालूँगी इसके अंदर। इसका डो बनाना है हमको काफ़ी अच्छे से। डो को मैं गूंद लूँगी, पहले इसको अच्छे से मिलाऊँगी। खूब धीमे 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 करके मिलाना है, अच्छे से इसको डो को तैयार करना है। इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, 1 पिंच, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खाते हो तो डालिए। फिर इसमें हम ये पानी डालेंगे। ये देखिए हम थोड़े ही पानी लेके आए हैं, 1/4 है, और थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है ऐसे। आटा एकदम टाइट बनाना है हमें। पानी हमको एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ में पानी नहीं डालना है, नहीं तो डो हमारा एकदम नरम हो जाएगा। ज़्यादा नरम डो से अच्छी नहीं बनेगी। इस तरीके से यूं बन जाती हैं। देखिए डो एकदम अच्छे से कड़क रेडी हो गया है हमारा। इसको इस तरीके से मसल लेना है अच्छे से। मैंने इतना पानी, 1/3 पानी डाला था, वो भी पूरा भरा नहीं था, और थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको इस तरीके से भून लिया है। ये डो अब हमारा तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा और 2-3 मिनट भूनेंगे। भूनने के बाद में इसको मैं साइड में रख दूँगी रेस्ट करने के लिए। देखिए हमारा डो तैयार हो गया, इसको मैं साइड में रेस्ट करने के लिए ढक के रख दूँगी, और फिर बाकी की तैयारी करते हैं। चलिए इसका कीमा बनाते हैं। देखिए मैंने डो को साइड में रख दिया है ढक के, वो 20 मिनट तक के सेट होएगा। और ये मैं कीमा इसका तैयार कर रही हूँ स्टफिंग के लिए। ये मेरे पास में 250 ग्राम मटन कीमा है, और ये कुछ मसाले हैं जो पाउडर हैं। मिर्ची है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर चिल्ली पेस्ट है, हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये 1 प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास में कुछ मटर है, इनको मैंने बॉयल कर लिया था, ये एकदम गले हुए हैं। पानी में थोड़ा सा डाल के 5-10 मिनट बॉयल करके रख लिया था, जिसमें जल्दी से रेडी हो जाए। और ये थोड़ा हरा धनिया है, और ये नमक है। चलिए हम लोग रेडी करते हैं कीमे को। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी, तेल गरम हो गया है मेरा पैन में। बाकी का मैं कच्चा प्याज डालूँगी कीमा रेडी होने पे। प्याज को मुझे काला नहीं करना है, और इसको हल्का पिंक करना है। पिंक प्याज हो जाएगा हमारा, तो इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज हो गया है, ज़्यादा काला नहीं करा है, हल्का सा पिंकिश गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये कीमा इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। इसमें ये नमक ऐड कर देती हूँ। बाद में अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा इसको पकाएंगे 2-3 मिनट तक अदरक लहसुन को, कीमे को अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी सूखने लगा है, अब ये मैं हल्दी धनिया मिर्ची जितने मैंने मसाले बताए थे सब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनती रहूंगी।
बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसके अंदर से। पानी इसका सूख गया है, ऑयल छोड़ दिया है इसमें। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। स्लो पे 20 मिनट के लिए स्लो पे छोड़ देंगे, जिसमें हमारा कीमा पूरा अच्छे से गल जाए, कच्चा नहीं रहे। और इसमें हम लीड लगा देंगे इस तरीके से। मीडियम स्लो पे छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए 20 मिनट हो गए, डो रखा हुआ था रेस्ट के लिए, और अच्छा एकदम सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल नरम भी नहीं है और अच्छा हो गया। चलिए हम लोग इसके लिए बीच में पर्क बना ली रहेंगी, तो उसके लिए मैं क्रीज बना रही हूँ। 1 and 2 टीस्पून जो ये कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है मैंने, इसमें 1/2 टीस्पून मैं ऑयल डालूँगी। इसको मिक्स करेंगे हम। ऑयल कम है थोड़ा, थोड़ा ऑयल और डालेंगे। आप हमारे चैनल बरियाल विनाश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थिकनेस इस तरीके से फ्लो आना चाहिए इसमें। 4 से 6 चम्मच लग गए हैं, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में। कॉर्नफ्लोर वही है जो आप लोग सूप में डालते हैं। और चलिए हम लोग बाकी के आगे की करते हैं तैयारी। ये देखिए इस तरीके से मेरे को ये आटे को ऐसा कर लेना है, और इसके बाद में इसमें से है ना पेड़े निकालने हैं मुझे। 6 से 7 पेड़े निकलना चाहिए। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा, इसको शिफ्ट कर देंगे, बराबर के पीस हो जाए जिसमें। और ये हो गया है अपने पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनकी हम बारीक बारीक चपाती बना लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आटा डालेंगे, आटा डालने के बाद में इनकी बारीक बारीक हम चपाती बनाएंगे। रोटी के जैसा इनको बेल लेना है बड़ा बड़ा। ये देखिए मेरी चपाती रेडी हो गई है, और ये मेरी 6 चपाती हुई है इस तरीके से। अब मैं ये एक के ऊपर एक इनको ग्रीस लगाऊंगी, और ये इस तरीके से पहले हम इसमें ये जो लिक्विड और ग्रीस तैयार किया है इसको लगाऊंगी फर्स्ट। ऐसा आप हाथ से, ब्रश से, किसी से भी लगा लीजिए। इस तरीके से इसको स्प्रेड कीजिए अच्छे से। इसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा डालेंगे हम लोग इस तरीके से। फिर उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी चपाती रखेंगे इस तरीके से। फिर इस पर ग्रीस लगाएंगे। इससे क्या होएगा कि हमारे पफ में लेयर बनेगी, बहुत ही अच्छी परतों वाला बनेगा। इस तरीके से आप उसको ग्रीस करते जाइए। सारी चपाती को इसी तरीके से हमें रेडी करना है, और फिर उसके बाद में फिर इस पर सूखा मैदा डालना है। दूसरी चपाती 2 हो गई हैं, और ये थर्ड, इसको भी ऐसे ही रखना है। इसको भी इसी तरीके से डाल के फिर इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है। ये देखिए ये बाकी की 5 चपाती हो गई, और ये लास्ट वाली है। ये लास्ट पे भी हमको जितना भी है सब इसके अंदर डाल देना है। ऊपर वाले का जो लास्ट है ना उसमें ज़्यादा पड़ेगा अपने को ये बैटर। डाल के फिर उसके बाद में इसको स्प्रेड कर देना अच्छे से। सब साइड में अच्छे से लगा लेना है हमको।
लगाने के बाद में आप इसमें मैदा छिड़किए थोड़ा सा, फिर उसको हम रोल करेंगे इस तरीके से। एकदम टाइट रोल करना है अपने को, यूँ ऐसा पकड़ के इस तरीके से थोड़ा दबा के, अच्छे से दबा के ऐसा प्रेस करके ऐसा रोल करना है, जो इसके अंदर एयर भरेगी, एयर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। थोड़ा सा हाथ लूज हो जाएगा तो फौरन लूज हो जाता है। इसको ऐसा दबा के इसको इस तरीके से रोल करते रहना। दबा दबा के इसको रोल करते रहिए इस तरीके से। ये लंबा होता जाएगा, थोड़ा इसका साइज बड़ा हो जाएगा ये रोल का। देखिए इस तरीके से ये रोल तैयार हो गया है। और हमको कट कर लेना है, ये साइड का जो है उसको कट कर देना है, हटा देना। फिर आपको ऐसा कट करना है इस तरीके से, थोड़ा ये साइज लेंगे नहीं तो बहुत छोटे हो जाएंगे। यूँ काटना है, यूँ काटने से क्या होएगा कि आपको लेयर मिलेगी। अगर आप एकदम डायरेक्ट काट देंगे ना तो लेयर नहीं बनेगी आपकी। तरीके से कट कर लेना है हमको। ये देखिए ये देखिए हमारे 6 डो बने हैं पेड़े, और इनके मैं 6 पफ बनाऊंगी। चलिए रेडी करते हैं, आगे हम लोग कीमा देख लेते हैं कीमे में क्या तैयारी है। कीमा भी लगभग तैयारी है। इसमें ये हम जो मटर रखे थे उनको डाल देंगे, और इसको फ्लेम फास्ट करके इसको हम अच्छे से भून लेंगे। कीमे को अच्छे से एकदम भून लेना है, पानी जरा भी नहीं रहे उसके अंदर। तो मटर को ऐसा दबा देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें स्टफिंग करने के टाइम पे वो प्रॉब्लम ना करे। आप हमें लाइक ज़रूर कीजिए, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हम बटन दबाइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। रेडी हो गया ये, बाकी के जो बचे हुए प्याज चॉप किए हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर इसमें थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करेंगे टेस्ट के लिए। चलिए हम लोग कीमे को ठंडा करने रख देते हैं। हम इसमें थोड़ी सी चीज़ को ग्रेट करेंगे, देखिए थोड़ा सा डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। चलिए अभी इसके हम स्टफिंग करते हैं, इसको मिक्स कर दीजिए चीज़ को। स्टफिंग के लिए तैयारी करेंगे, इसको थोड़ा सा यूँ प्रेस करेंगे, यूँ प्रेस करने के बाद में इसको बेलेंगे। इतनी परतें हैं कि सामने से खुला जा रहा है,
आपको इसमें इसको प्रेस कर देना है, दब जाएगा। ये साइज की हो गई है, इसके अंदर में कीमा थोड़ा थोड़ा सा काट लीजिए साइड से। इसके बाद में हम यहाँ पर कीमा स्टॉप करेंगे, इसको रखेंगे। उसके ये साइड से ऐसा हल्का सा पानी लगाएंगे, ऐसे ही पानी लगाइए इसको। पानी लगाने के बाद में इसको ऐसा इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए और ऐसे चिपका दीजिए। और ध्यान रखें कि ये पूरा चिपकना चाहिए, नहीं चिपकेगा तो आपका सब स्टफिंग कीमा सब बाहर आ जाएगा, सब तेल में बह जाएगा। इसके बाद में इसको हम ऐसे फोक से इसको, ये देखिए यहाँ पर अभी भी खुला हुआ है, हल्का सा पानी लगा के इसको कस के प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद में इसको फोक से इस तरीके से आप डिज़ाइन दे दीजिए। आपके पास में पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी कट कर लीजिए। ये देखिए हमारी ये पफ तैयार है, बाकी के भी पफ मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी। इसको फ्राई कर लेंगे, आप चाहें तो आप बेक भी कर सकते हैं 180 पे 20-25 मिनट तक के आप बेक कर सकते हैं ओवन के अंदर। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए बनियन ग्रामर के लिए, स्किन केयर प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरे सारे पफ तैयार हो गए, अब इसको हम फ्राई करेंगे। मेरा तेल भी गर्म हो गया, मैंने इसको तेल को फास्ट गर्म कर लिया है। अभी इसको एकदम स्लो पे कर देंगे, हमको फास्ट पे नहीं तलना है क्योंकि अच्छे से तल जाएंगे। देखिए हम डाल लें इसके अंदर, तेल गर्म है थोड़ा, देखिए तेल गर्म है हमारा। और हम बाकी की सब ऐसी तरीके से पफ सब इसके अंदर डाल देंगे धीमे धीमे करके। ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम कितनी परतें बन गई हैं इनके अंदर, बहुत ही खूबसूरत सा तला है, एकदम प्यारा लग रहा है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हमारे बरियाल गणेश चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, सब निकाल लेंगे। बाकी के भी हम जितने भी पफ हैं वो इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। इसको मैं निकालती जा रही हूँ। ये देखिए इनके लेयर देखिए कितने अच्छे आए हैं, बहुत ही खूबसूरत आए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने हैं, एकदम टेस्टी बने हैं। और इनको देखिए अभी तो बहुत गर्म है, मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ, थोड़े ठंडे हो जाएं।